अभी हवा कम है तो अभी अभी हम निकल लेते हैं फटाफट से, फिर शॉप पे जाते हैं। ये सेमल का पेड़, जब बाकी ट्रीज का पतझड़ लगता है तो इसके पत्ते नए आते हैं इसके। बारिश होने लगी है दोस्तों, लगता है कि जैसे शॉप पे पहुंचेंगे तो बारिश कंटिन्यूस हो जाएगी। फिर हो गई है दोस्तों बारिश। चलो बारिश हो जाए तो हमारा लॉन अच्छे से और भी हरा हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। फिर आंधी में इतने सारे आम इकट्ठा करें, अभी और भी गिरे हैं और अभी और गिरेंगे। और ये है खाद, ये गोबर की खाद के पैकेट बना रखे हमने, ये 200 रुपीज़ पर 5 kg से प्लस है। ये है क्योंकि लोग अपने घरों में गमला में यूज़ करने के लिए लेके जाते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना केमिकल वाला खाद ना डाल के यहाँ का गोबर का खाद हम दें लोगों को। सही टाइम पे पहुँचा मैं, एकदम सही टाइम पे घर पे पहुँचा। जंगल कितना सुंदर लगता है बारिश में देखे। आपकी गाड़ी खराब है क्या? ना ना खराब नहीं है। लाइट है ना आपकी? हाँ। बैठो बैठो, भीगो मत। अरे ओले गिर रहे हैं ओले। वाह मजा आ गया। ना ना ओले गिर रहे हैं, ओले ओले गिर रहे हैं देखो। अरे वाह दुकान के अंदर जा, दुकान के ये तीन उखड़ गए ना से। बहुत जबरदस्त हवा थी, बहुत जबरदस्त। मुझे लगा पेड़ गिरता अब। ये इतने बड़े ओले गिरे हैं, अगर किसी के सर पे लगता तो सूज जाता सर। और बहुत जगह गिर रखे देखो। ये बड़ा भी इकट्ठा कर लो, ये कोल्ड ड्रिंक आइस बॉक्स में रखो इनको। हाँ मैं कह ही रहा था कि हमारे लॉन के लिए सही जगह पानी भर गया, तो ये कभी किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी की छत वत ना उड़े। आम तो बहुत ज़्यादा गिर गए, एक पेटी आम पहले इकट्ठा कर रखा है, अभी ये पूरी गिर गए। और इस बार जो आम गिरा है वो नीचे गिरता ही फट गया। इतनी गर्मी है देखिए, भाप बन के निकल रहा है। बुड को टहनी हटा दो। उधर सड़क के उस तरफ को डाल दो। कितना खतरनाक भाप बन रहा है देखो।
इतना गर्म है सड़क। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ दुकान की भी दो तीन उखड़ी हैं, तो एक बार घर देख के आते हैं कि घर पे क्या हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार घर के आते हैं। अरे बाप रे, ऐसे लगाओगे? हाँ। ना यार चलो उतर। अरे थोड़े से नीचे करो, इधर लगो। ना हो अंदर, यहाँ पे छोटे अभी आ जाएंगे। अरे बाप रे, चाबी ले ली तुमने? हाँ चाबी ले ली। अरे बाप रे, ये देखो बाबरे। हमारे तीन भी उड़ गए बल। पैदल चले? पैदल चलना पड़ता है। यहाँ लगा दो, ये तो अपने गाल के इधर लगा, सर पुरते लगाएंगे। पेड़ के जड़ पे लगा ले, वो गाने में सर पकड़ लीजिए। गाली ले जाओ, बहुत दुकान हम, और दुकान का तीन भी उड़ रखा है, खतरनाक। अरे बाबा क्या है ये? हाँ, दीपू के यहाँ पे जो पेड़ था उसका काफी खतरा बना रहता था हमेशा, वो तो पेड़ गिर तो गया है। उधर एक सामने ये वाला पेड़ भी गिर गया है। और अभी फोन आया मुझे गांव से कि हमारी टीन भी उखड़ गई है, जाके देखते हैं। या हमारी टीन आपकी क्या है?
ये किसका है? ओ हो 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 माय गॉड। दोस्तों अभी तूफान आया बहुत खतरनाक, हमारा घर का टीन सारे उड़ गए, सारी टीन बर्बाद हो गई। ये यहाँ गिर गई, मतलब कि घर कहाँ रह गया, इतनी दूर घर है और टीन हमारी वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ नौमी खड़ी है। ये टीन तो अब किसी काम की भी नहीं, फिर ऐसे तैसे हो गई घर की, और अंदर सामान का पता नहीं क्या सत्यानाश रखा हुआ। ये देखो इतना प्रेशर था हवा में, सब बर्बाद हो गया, पूरी बाड़ी गिर गई। क्या करें प्रभु, सारी जगह टीन बिखरी पड़ी, क्योंकि इस वाले एरिया में हवा का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, दूर दूर से हवा को एकदम खुला रहता है। ओ नो, सोलर पैनल भी गया, एक दो सोलर पैनल, सोलर फेंसिंग वाला भी एक, ये भी। यार चाबी लेके आ जा पहले, चाबी अभी गया था दोस्तों यहाँ से, घर को लॉक करके गया था, लेकिन सब बर्बादी हो गई है, सब बर्बादी हो गई। इतनी मेहनत कर रखी थी इसमें, घर की ऐसी तैसी हो गई पूरी, पूरा अंदर पूरा बेड ख़त्म, पूरा अंदर घर का सामान ख़त्म, पूरा बिस्तर, आज तो बस सो भी नहीं सकते, आज तो पूरा पानी भरा हुआ है अंदर, क्योंकि बाथरूम की टीन नहीं उड़ी, बाकी वो पूरे टीन वहाँ तक गए नहीं। वो टीन भी गई, यहाँ से बाढ़ टूट गई, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद, सोने के लिए भी नहीं है आज तो। एक सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ था वो भी गया, एक नई मेहमान आए थे यहाँ पे, एक डब उसने घोंसला बनाया था, उसके घर भी गया। अब ये दो पैनल लगे हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सीमेंट इसमें भी गिरा हुआ है। सब खत्म हो गया, वो इन्वर्टर बंद कर रहा है सबसे पहले, जो थोड़ा बहुत और भी सामान है वो भी फूल गया, पैनल सब गिर गए, ये सब गिर गए भैया, सब गया, सब खत्म, पूरी बिस्तर ऐसी तैसी। और अब भी यहाँ साफ सफाई करके गया था मैं, बेड बचा लेते हैं, फिर उनको हटा देते हैं, प्लाई भी खराब होगी नहीं तो। और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो भीगने से खराब होने वाली चीज़? खराब गद्दा फटाफट हटा देना, मैंने क्या हटाना, थोड़ा खड़ा कर दोगे ना इसको, ये सोफा सब बिक गया। अरे सोफा तो चलो कोई बात नहीं, आज हम सोएंगे कहाँ, समस्या इस बात की है। वो तो ढक्कन लगाओ, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दिक्कत तो यहाँ है ना। ये सब बेकार अरे सब कस रखा था, ऊपर वजन भी रखा था, ये खुला है ना, हवा का प्रेशर इतना तेज पड़ता है यहाँ, अपने तरफ से तो पूरा ही कर रखा था। मैंने कल भी इसमें पत्थर रख के गया था, वो हवा इतनी तेज थी, इतना मोटा पेड़ गिर गया वहाँ, सेफ नहीं था, सारे गद्दे सब
इसीलिए हम कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि कभी कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है। इतनी मेहनत करी थी, आप लोगों को पता ही है कि मेहनत करी थी, उसके बाद भी आज फिर से बेघर हो गए। कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। व्हाट हैपेंड? द माउंटेन इज ब्रोकन। किसने करा? रेन ने कर दिया पूरा माउंटेन हाउस ब्रोकन। वरुण कह रहा माउंटेन हाउस ब्रोकन कर दिया रेन ने। कम दे साइड टॉर्च लाइट। वेट, लुक लुक, ये देखो, आओ कम आ जा। सब ब्रोकन हो गया। ये देखो अंदर चलो। गीला है, ऐसे गीला। उस तो खाना खा चुके हैं हम। वरुण उसके मम्मी तो अंदर सो गए हैं बेड में। बॉक्स में एक था, एक कंबल था, उसी को बिछा के उसी में सो रहे। ओढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और देखिए ये जो मैंने पिलर बनाया था, ये भी यहाँ से पूरी तरह आ गई है इसमें, यहाँ से ये भी। ये कनिका दी ने कैनोपी दी थी, ऊपर से एंगल गिरा, ये कैनोपी भी टूट गई। और अभी हाल फिलहाल में तो इसमें ऊपर हमने पत्थर रख दिए हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अभी तो मौसम साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, चांद लग रहा है। अब जो भी होगा कल ही होगा इसमें काम। उसमें ऊपर पत्थर रख दिया है, कल मिस्त्री बुला रखे हैं। उसमें दोबारा से सारे टीन नीचे उतरेंगे। कुछ टीन इसमें टूटे हैं, कुछ फट गए हैं, कुछ जो नट बोल्ट लगे हुए थे वो लूज़ हो गए, जो पतले होल थे मोटे हो गए हैं। तो इसमें कुछ टीन और परचेज करने पड़ेंगे। और इसमें इसके चारों तरफ को, जैसे ये चार वॉल हैं, चारों तरफ में मोटी मोटी वॉल बनानी पड़ेगी, ताकि इसमें हवा का प्रेशर बिल्कुल ना पड़े। वजन बनाना पड़ेगा ऊपर। अब थक चुके हैं, अब जाते हैं अंदर सोते हैं। कल शॉप बंद रहेगी, कल वरुण की भी छुट्टी करते हैं, कल काम इसी पे करते हैं पूरा। सोलर पैनल फूटा तो नहीं, लेकिन उसका जो ये होता है ये निकल चुका है उसका, तो इसकी वायरिंग फिर करेंगे। अब तो घर का काम करना है पूरा कंप्लीट।